Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, ये जो चुन्नू मुन्नू सी वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ ये आई लुक जो है ये शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है ये लुक भी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो आपने करना है इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट से कर दीजिए। और ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, आईब्रो को मैं फिल कर चुकी हूँ और मिस रोज का बेस 2 जो फाउंडेशन है वो मैं लगा चुकी हूँ। और अब मेरे पास ये हुदा ब्यूटी का एक पैलेट है जो कि ड्यूप है, और क्राइलोन का मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रश है जो मैं यहाँ पे यूज करूंगी। क्रीज को रिफाइन करेंगे इस ब्राउन कलर के साथ। आपके पास कोई भी ब्राउन कलर हो आप उसके साथ ये काम कर सकते हैं, कोई जो है वो इतना मसला नहीं है। और इसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए क्रीज के ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी। और इसके बाद जो है जी, ये छोटू ब्लेंडिंग ब्रश लिया है मैंने, और मिस रोज का पैलेट यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी उसमें से ब्लैक कलर आई शेडो जो है वो लेके इसको मैं आउटर कॉर्नर से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, और इनर तक इसको क्रीज के ऊपर मैं अप्लाई करूंगी और दोनों कलर्स को आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहें, मैंने इस लुक में आई को थोड़ा सा इस तरह से शेप दिया है जैसे अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, आप चाहें तो इसको गुलाई में भी रहने दे सकते हैं। इस तरह शेप आप ना देना चाहें तो कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ ब्लैक कलर का आई शेडो मैंने लगा लिया है, ये है मिस रोज का पैलेट, इसमें से ये मेटालिक आई शेडो है, पर्पल सा ही है ये लेकिन डल कलर है ये, सही है। इसको मैं अपनी लिड के ऊपर अच्छे से अप्लाई करूंगी, और ये जो एप्लीकेटर है इसके साथ मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ इसकी। इसको मैंने वेट किया है और फिंगर से भी इसकी बड़ी अच्छे से एप्लीकेशन हो जाती है। इसको गीला किया है मैंने इस एप्लीकेटर को, और इसके साथ जो है अच्छी तरह लिड के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, और आंख के नीचे भी मैं यही शेड जो है इसकी एप्लीकेशन कर दूंगी। यहां पर मेरे पास मिस रोज की व्हाइट पेंसिल है जो कि बहुत बहुत बेस्ट है, बहुत क्रीमी है, अच्छे से लग जाती है, और इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह जो काजल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को व्हाइट पेंसिल नहीं पसंद, मेरी आंखें छोटी हैं तो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं व्हाइट पेंसिल ही लगाऊं। अब मेरे पास ये ग्लिटर है, आप चाहें तो इसको टोटल स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अप्लाई किया है। ये लोकल मार्केट से मिल जाते हैं हर कलर में। और अब ये क्राइलोन का मेरे पास जो है वो लाइनर है, इसकी एप्लीकेशन करूंगी मैं हमेशा जो है आई बॉल से स्टार्ट करती हूँ, और मैं विंग क्रिएट करूंगी यहाँ पर इस लाइनर से। ये देखे, आंख से बाहर की तरफ मैंने निकाल लिया है, थोड़ी सी लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो लाइनर लगाएंगे, और इनर कॉर्नर से भी थोड़ा सा विंग क्रिएट करूंगी मैं बारीक सा जो है, ताकि मेरी आंख जो है वो थोड़ी सी लंबी लगे। ये मेरे पास 3D आईलैशेस हैं जो कि मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, इनकी हालत से ही आपको अंदाजा हो रहा है। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो चुकी हैं और आई लुक हमारी हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।